से बारिश जैसा मौसम हो गया। गाइस पहले चलते हैं छत पे, देख लो ये पुराने जमाने का घर है, इसमें लॉक है ये। तो गाइस इसमें आ गया गिट्टी पे बहुत सारे यहाँ पे, और मैं आप लोगों को ये सारा दिखाएंगे गाइस। ये ओल्ड मम्मी के पुराने वाला ये घर है। ये एलोवेरा है जो मेरे को बहुत ज़रूरत है हेयर लगाने के लिए। और ये रहा बाबू, कैसे हो? ठीक हो? तो हम लोग चलते हैं पहले पुराने वाले घर में। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्रांड न्यू ब्लॉग। अभी मैं जा रहा हूँ अम्मी को लेकर नानी के घर, बिकॉज उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो सोचा कि थोड़ा सा दिखाऊँ आप लोगों को उधर की। बहुत कुछ है पुराना, बहुत पुराना है उधर, बहुत कुछ है जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं ब्लॉग थोड़ा इसलिए लेट डाल रहा हूँ बिकॉज मेरा 12th का एग्ज़ाम है और मेरे को कोई कॉन्टेंट यहाँ पर मिल नहीं रहा है, और मैं अकेला हूँ भाई, कोई नहीं है जो मेरा साथ भी दे। अकेला जगह जाता हूँ तो ब्लॉग नहीं बना पाता हूँ, इसलिए जितना हो बताया मैं करता हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से भी जितना हो सके हेल्प कीजिए भाई, कि आगे ग्रो होकर अच्छे से अच्छे ब्लॉग आप लोगों के सामने लाओ। बाइक को क्लीन करते हैं ब्रो, मेरा फिंगर इसी में फंस गया। हाँ भाई पेन हो रहा है। माय लाइक इट यू बारिश हो रहा है प्लस हवा भी चल रहा है, और फ़ोन में उतने कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं ना। तो ये रहा हमारा बाइक, अभी मैंने थोड़ा बहुत क्लीन किया जितना हो सका, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने इसको वॉश कराया था। तो भी देख लो ये भीग गया है, इससे समझ लो बारिश हो रहा है थोड़ा बहुत। सो गाइज अभी बारिश हो रहा है तो फ़ोन में रखता हूँ, जल्दी से अम्मी को बुलाता हूँ और चलता हूँ। सो गाइज अभी हम लोग आ गए मीरगंज, ये देखो गाइज काम हो रहा है। आई कैम हेयर, और यहाँ पे आकर तो काफ़ी अच्छा लगता है। अभी जस्ट अम्मी और ये देखो, मैं नहीं दिखा सकता, अम्मी और जो अम्मी की बहन है खाला हमारी, और ये सब लोग आया है देखने। तो वो लोग अंदर गए बिकॉज मैं अंदर जाकर ब्लॉग नहीं बना सकता, अनकंफर्टेबल लगता है सबको इसलिए गाइस। तो अभी मैं चलता हूँ अंदर, बहुत तेज़ भूख लगा है, मैं मॉर्निंग से कुछ नहीं खाया है। मॉर्निंग में अम्मी ने खाना बनाया था ब्रेकफास्ट में रोटी सब्जी, तो मैंने नहीं खाया उस समय, मेरे को भूख उतना नहीं लगा था। तो अभी चलते हैं, ये रहा घर। हीरो 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 देखो, तीन हीरो है भाई। तो अभी चलते हैं फटाफट से अंदर, देख लो गाइस पूरा क्या क्या गिरा है मेरे बॉडी पे बाइक चलाते हुए। तो गाइस मैं चलता हूँ, सबसे पहले विलेज का बात ही अलग है, विलेज और यहाँ पे तो विलेज लगता ही नहीं है क्योंकि इतने अच्छे से घर हैं और फ्रेश हवा। हाँ भाई मैं हार गया हूँ, अभी तो चलता हूँ पहले थोड़ा सा रेस्ट कर। और आप लोग देख लो चारों बगल हरियाली, मेरे को ऐसे नेचुरल मतलब बहुत पसंद है, मैं बता भी नहीं सकता। अगर मैं अपने व्लॉग में आगे थोड़ा सा कुछ स्टेप में बढ़ाना सक्सेस हुआ ना, तो ज़्यादा मैं अपने व्लॉग में पहले का हर एक चीज़ याद दिलाएंगे आप लोगों को। वो चीज़ नहीं भूलना चाहिए गाइस जिस चीज़ से हमारे पहले की फैमिली गुजरी है। तो चलते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा मैंने एडवाइस दे दिया आप लोगों के लिए, शायद किसी को अच्छा लगे किसी को ना लगे, बट मैं मेरा जो ओपिनियन है वो मैं बताया। अब आप लोगों को मर्जी है जो अरविस। यहाँ पे और मैं आप लोगों को ये सारा दिखाएंगे गाइस, हर एक चीज़ दिखाएंगे यहाँ पे। ये ओल्ड अम्मी के पुराने वाला ये घर है। ये सारे जो प्लांट्स हैं ना, इसे गन बनता है, और ये सारा मतलब बहुत अच्छा है यहाँ पे लगता है। लाइन बाई लाइन यहाँ पे ट्री है, हम लोग ने आज से 6-7 साल पहले लगाया था, उस समय मैं काफ़ी छोटा था, तो मैं ही बाइक से पकड़ कर लेकर आया था, तो देख लो आज कितना बड़ा हो गया है। और ये कोकोनट भी उसी समय लगा था, कुछ समय बाद ये भी बहुत अच्छा हो गया है। इसका इसमें 20 साल लगेगा बोला था वो, तो अभी तो काफ़ी ये ग्रोथ कर गया है, तो अच्छा लग रहा है। और रही ये, तो ये बहुत सारा था अभी जो गिर गया है, तो अभी सही है इतना स्पेस देकर है। और ये रहा बाबू, कैसे हो? ठीक हो?
तो हम लोग चलते हैं पहले पुराने वाले घर में, न्यू वाले घर में। तो न्यू वाला घर बहुत बड़ा है भाई, अंदर से कम 12 रूम है, 12 बस वन फ्लोर में। और थ्री ब्रांड है, इतना बड़ा बड़ा हॉल, बहुत बड़ा बड़ा है। तीन हॉल है, जितना बड़ा उतने में हम लोग का एक हॉल है, सोचो कितना बड़ा हॉल है इसका। तो वो भी एक नहीं दो नहीं तीन तीन है और 12 रूम है, बहुत बड़ा है ये। देखने में ऐसे लग रहा है एकदम, बट बहुत बड़ा है ये, अंदर तक है पूरा। तो चलते हैं सबसे पहले ये अम्मी के पुराने वाले घर में, चला जाए बाबू। चलते हैं पहले, यहाँ से ऊपर जाने वाला भी रास्ता था, अभी तो मैं इसमें लड़े जाएंगे, इतने बड़ा हो गए मैं, मेरा चोट भी लग सकता है। ये पहले बाथरूम था गाइस, जो पहले ज़माने में ये बाथरूम था, जो अभी इसे पूरा ख़त्म कर दिया गया है और इसमें वो सारे रहते हैं खस्सी वगैरह। ये देखो हेन गाइस, पूरे हेन इसमें रखा गया है। और ये जो यहाँ पे खेती होती है ना, तो उसके लिए है, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये सबसे मेरे को। मेरे को भी कभी मन करता है, बिकॉज मेरा आ नहीं हूँ ना उतना ज़्यादा, तो उतना नॉलेज नहीं है, जितना मेरे को पता है उतना आप लोगों को बता रहा हूँ भाई। हेलो व्हाट्सअप ब्रो, सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल, ओके? सब्सक्राइब कर देगा ना तुम्हारा हैंड मेरा चैनल, ठीक है? और ये रहा जो बाइक पड़ी है इसमें, पूरा देख लो गाइस, हम लोग मिलती नहीं है यहाँ पे, फेंकी हुई है इतनी चीज़। ये साइकिल है, ये बाइक है, और ये जो गाय को खिलाने वाला होता है ना, तो ऐसे कट करने वाला, नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, वो है। और ये है डोर, और ये बाकी सारा ऐसे है। और ये आई डोंट नो इसे किस लिए रखा गया है, बट लकड़ियाँ बहुत पुराना पुराना गाइस, देख सकते हो, डर लगता है गिर ना जाए, बट ये बहुत स्ट्रांग है अभी भी। पहले ज़माने के जो घर बनते थे ना, वो बहुत ज़्यादा दिन तक टिकते थे, बट अभी का इंसान भी नहीं टिकता है और घर तो घर है, घर भी नहीं टिकता है। ये पानी निकालने वाला है, इधर आते हैं भाई, इधर सांप वगैरह ना हो, उनको बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये पुराना ईंट जो आता था ना, बहुत बड़ा बड़ा वो वाला ईंट है ये, इधर से निकलते हैं भाई। काफ़ी ओ भाई मिकुला कुछ कट कर लिया। सो भाई देख सकते हो मैं कहाँ पे आया हूँ, मैं अभी आया हूँ खेतों की तरफ, और यहाँ पे हमारे नानी का भी खेत है। इधर का मौसम जो है ना भाई, लाजवाब है भाई। ये देख सकते हो साइड में पानी, और ये प्लांट्स लगाए छोटा छोटा शायद, हाँ प्लांट्स ही लगाए, लाइन बाई लाइन पूरा आगे तक प्लांट्स लगाए गाइस, कोई इसे ना तोड़े इसलिए इसको साइड से कवर किया गया है। सो गाइस अभी शाम को 4 बज गया है, और अब हम लोग निकलेंगे थोड़ा देर में, अम्मी रेडी हो रही है निकलने के लिए। और आज मैं अपना नींद भी पूरा कर लिया गाइस, लंच भी कर लिया, अब थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे, मैं और अम्मी और मेरी बहन। गाइस पहले चलते हैं छत पे, ये पुराने ज़माने का घर है, इसमें लॉक है ये, इसके अंदर गेहूं होता है ना जिसे आटे पीसे जाते हैं वो है। और भाई ये आ गया फाइनली मैं ऊपर, और सबसे पहले मैं बचपन में इस पे मासूम भजन, जो मेरे बड़े भाई और शहबाज भजन, उन लोगों के साथ मैं इस पे चढ़ता था भाई, पहले तो काफ़ी मज़ा आता था। यहाँ पे आने के बाद बचपन की मेमोरीज बहुत सारी यादें आती है, बिकॉज विलेज के बाद यहीं पे हम लोग अपना बचपन वाले टाइम स्पेंड किए हैं जो भी है। तो देख सकते हो काफ़ी भाई यहाँ पे ओपी, मतलब बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पे लग रहा है। यह है बाबा ट्री, यह है क्या बोलते हैं गाइस, गन्ना का है, और यह है पपाया, यह है लेमन, और कुछ हाँ वो है बनाना का, ये सारा इस लाइन में है। यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी मज़ा आता है, बिकॉज आज मैं अकेला आया हूँ तो थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, बट फिर भी बोरिंग नहीं, मेरी फैमिली कैमरे के साथ है। तो गाइस हमारा बाइक हो चुका है बहुत ज़्यादा गंदा, जो हमने क्लीन करके निकला था, ये देखो चारों तरफ फिर ले जाके इसे वॉश कराना है, बिकॉज आज तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा था, रास्ते में पूरा बॉडी भीग गया था, फिर सूख भी गया बाइक पे, लग रहा है तबीयत ख़राब होगा इसी के वजह से हम लोगों को। सुबह अजान हो रहा है तो मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ, मिलता हूँ घर जाकर। आशियाना मेरा।